यार बहुत से लोग सोचते हैं कि मुझको फोटोशॉप का मास्टर बनना है, मैं मास्टर कैसे बनूं। पर फोटोशॉप कोई साइंस नहीं है, इसमें कोई कोई वो नहीं है कि आप समझते हैं फोटोशॉप है कोई मास्टर कैसे बने। मास्टर बनने के लिए आप क्या करना होता है, आप ऐसे आम बंदा जो होता है जो नॉर्मल जो फोटोशॉप लाते हैं तो वो क्या करता है, पहले यहाँ आएगा इसको क्लिक करेगा, फिर इसको क्लिक करेगा, फिर इसको क्लिक करेगा, और फिर एक एक करके वो टूल सिलेक्ट करता है। उसको सोच कर की नहीं पता होते, तो आपको सबसे पहले तमाम चीज़ों की सोच कर की देखने, इसका सोच कर की क्या है, इसका सोच कर की वी है, इसका सोच कर की क्या है, इसका सोच कर की एम है, इसका सोच कर की क्या है, इसका सोच कर की एल है, इसका सोच कर की क्या है, इसका सोच कर की डब्ल्यू है, इसका सोच कर की क्या है, इसका सोच कर की सी है, कैसी मैजिक टूल है, मैजिक टूल का सोच कर की क्या है, मैजिक टूल का सोच कर की। वैसे इसमें तीन तमाम चीज़ों की शॉर्टकट की लिखे हुए हैं जो आप यहाँ से आप देख सकते हो, और बहुत सी शॉर्टकट की है आप देख सकते हो, और यहाँ बहुत सी चीज़ें तो आपको सीखने को मिलेगी। और डब्ल्यू एम एजिट तो टूल का शॉर्टकट की, ऐसी बहुत से टूल्स के जितने भी टूल के शॉर्टकट की आपने याद करने होते हैं, उसको समझना होते हैं। एक बार आपको तमाम टूल्स के याद हो गए तो आपकी जो आप जब वर्किंग करते हो तो ऑटोमेटिक आपके तमाम टूल्स आ जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी मैं आपको जो बताना चाहूँगा जो कि आपको पता होनी चाहिए। अक्सर ऐसे हो चीज़ें होती जिसमें शॉर्टकट की दिखे हुए नहीं होते, जैसे मिसाल के तौर में आपने लेना है ये, तो अब मैं यहाँ से कोई शॉर्टकट की नहीं लिखा, सिर्फ दो दिन और दो तो दिन किसी में लिखा हुआ किसी में नहीं लिखा, जैसे कोई एडजस्टमेंट लेनी है। तो अब इन सब चीज़ों के लिए जैसे ये सिलेक्टिव कलर्स है, अब उसको इस टूल को एडजस्ट करने के लिए मुझको क्या करना होगा, मुझको यहाँ आना है और विदाउट मैं चाहता हूँ मैं ना मुझको इसका शॉर्टकट की पता चल जाए, तो इसका शॉर्टकट की मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको अल्टर दबाना है, अल्टर दबाना है, अल्टर दबाने के बाद आई, आई का मतलब कि इमेज के अंदर चले जाएगा, इमेज के बाद ई दबाना है, ठीक है, इमेज के बाद अल्टर आई ई एस, ठीक है। अच्छा, अल्टर आई ए एस, ठीक है, मैं समझाता हूँ दोबारा। अल्टर दबाया मैंने, अल्टर दबाने के बाद मैंने आई किया, आई करने के बाद मुझे एडजस्टमेंट चाहिए, अल्टर आई ए, अब इसके अंदर मैंने एस कर दिया तो एस आ गया, ठीक है। अब इसको मैं काटता हूँ, अब मुझको कैसे अल्टर दबाया, अल्टर दबा के मैंने आई किया, आई करने के बाद मैंने ए किया, ए के बाद मुझको कैसे मतलब डाल के तो मैं मुझको ग्रीटिंग चाहिए तो मैंने जी कर दिया तो ग्रीटिंग आ गया। अब यही चीज़ मैं कैंसिल करता हूँ, फिर दोबारा मैंने अल्टर दबाया, अल्टर दबाया, अल्टर दबा के मैंने टी दबा दिया, टी दबाने के टी टी तो टी दबाने के यहाँ फिल्टर्स खुल गया, वैसे खुलना टाइप चाहिए था लेकिन फिल्टर्स के लिए आपको टी दबाना होगा, कंट्रोल एफ भी करोगे तब भी अच्छा, यहाँ एफ दो है तभी यहाँ ना टी दबाने से आपका फिल्टर खुल रहा है, तो टाइप दबाने के लिए फिर पी खोलना पड़ेगा आई थिंक। वैसे एल है का लेयर्स के लिए मुझको एल खोलना होगा, अल्टर दबाया एल किया तो लेयर्स आ गए, और जो मतलब ज़्यादातर काम होते हैं वो इन सब चीज़ों के, फाइल खोलना है तो कंट्रोल अल्टर दबा के एफ कर दिया और फाइल्स के जितने भी ऑप्शन से वो खुल दिया। अब यहाँ मुझको कुछ भी चीज़ सिलेक्ट करना है तो यहाँ मैं सिलेक्ट कर दूंगा, अच्छा जैसे मसाले तो मैं उनको अल्टर एफ और फिर मैं ओ कर देता हूँ या मैं कर देता हूँ पी तो प्लेस हो जाएगा, तो कोई भी चीज़ प्लेस करना है कुछ भी करना है तो प्लेस का ऑप्शन खुल गया है। तो ऐसी कोई भी चीज़ को छोड़ कर कीस आपको में महारत हासिल करना होगा, तब जाके आप एक फोटोशॉप में माही माही इंसान बन सकते हो। कैसे मैं हूँ, मैं अभी देखो मैं कोई भी मैं विदाउट कहीं क्लिक किया मैं बहुत ही चीज़ें मैं कैसे कंट्रोल बी करता हूँ, तो
तो ये आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा बैलेंस करने का ऑप्शन आ जाता है। अच्छा IES करता हूँ मैं तो ऑटोमेटिक सिलेक्शन टूल आ जाते हैं जिससे मैं कलर्स मैनेज कर सकता हूँ। कंट्रोल यू करता हूँ मैं तो हैवी सिलेक्शन टूल आ जाते हैं जिससे मैं मतलब बैकग्राउंड को बैकग्राउंड मतलब लाइनेस वो और ऐसे कितने भी शॉर्टकट कीज है जो मुझको पता है जिससे मैं कंट्रोल एल करता हूँ मैं तो लेवल्स आ जाते हैं जिससे मैं कोई भी चीज़ को लेवल कर सकता हूँ। अच्छा जी इसके अलावा कंट्रोल डब्ल्यू की ऐसाई हट गई। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं कि आपको समझ आनी चाहिए, आपको फोटोशॉप की ऐसी चीज़ें पता हो। कहने का मकसद ये कि शॉर्टकट कीज आपको कैसे पता हो जाएगा, आप कैसे शॉर्टकट कीज आपको याद होते जाएंगे, वैसे है वैसे आप फोटोशॉप के मास्टर बनते जाओगे। तो फोटोशॉप का मास्टर कोई वो नहीं है कि आपका जो हम भी वही टूल इस्तेमाल करते होते हैं जो हम जैसे हमें कोई पासपोर्ट साइज हमें बनाना है तो हम क्या एक एक पहले यहाँ आएंगे इससे पहले यहाँ क्रॉपिंग लेके क्रॉपिंग का टूल किया है क्रॉप ये है। अब मैं मसाले की में मुझको मॉक टूल चाहिए तो मॉक टूल के लिए सिर्फ मैं V दबाऊंगा मॉक टूल में आ जाऊंगा। वैसे ही मैं M टूल चाहिए मुझको तो M टूल में लाऊंगा यहाँ आ जाएगा। मुझे लेसो टूल चाहिए तो मैं L दबाऊंगा ज़्यादा। मुझको अपना मैजिक टूल चाहिए तो मैं W दबाऊंगा। क्रॉप टूल चाहिए तो मैं C दबाऊंगा। और इसके अलावा मुझको कैसे ब्रश टूल चाहिए तो मैं B दबाऊंगा। वैसे ही मुझको स्टेम टूल चाहिए तो S दबाऊंगा। इसके अलावा मुझको लेजर टूल चाहिए तो E दबाऊंगा। इसके अलावा ग्रेडियंट टूल चाहिए तो मुझको E G दबाऊंगा। इसके अलावा ये अपना ये क्या बोलते हैं इसको साफ टूल चाहिए तो मैं इसको साफ टूल का तो इसका कोई शॉर्टकट ही नहीं है तो अच्छा ये मुझको चाहिए तो इसके लिए मैं O दबाऊंगा। पेन टूल चाहिए तो मुझको P दबाऊंगा। टेस्ट टूल चाहिए तो मैं T दबाऊंगा। तो सर्कल टूल चाहिए तो मैं U दबाऊंगा। वैसे ही नीचे अपना स्पेस टूल चाहिए तो मैं स्पेस दबाऊंगा। ये टूल इसका अच्छा इसका शॉर्टकट की एच और आर होता है लेकिन इसको आप बैक स्पेस से भी इससे काम कर सकते हो। तो एच वैसे आपको दबाओगे तो ये आ जाएगा और आर दबाओगे तो ये आ जाएगा। तो ये चीज़ है ठीक है। इसके अलावा मुझको जूम इन करने जूम करने के लिए मैं ये दबाऊंगा। इसका जो शॉर्टकट की होता है वो आप बैक स्पेस दबाते हो और अल्टा दबा सॉरी स्पेस दबाते हो कंट्रोल दबा के रखते हो तो ऑटोमेटिक वो कोई भी चीज़ को जूम कर देते हैं। मैं खोल के दिखाता हूँ ये देखो ये मैंने दबाया कंट्रोल और अपना स्पेस तो ये ऑप्शन आ गया। इसके अलावा वैसे ही मैं इन्हें V दबाता हूँ तो ये मूव हो जाएगा। अच्छा स्पेस दबाऊंगा ऑटोमेटिक ये मेरे पास सिलेक्ट आ गया तो मुझको ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा वहाँ पे भी आप यहाँ से भी H दबा कर ये चीज़ सिलेक्ट कर सकते हो और R दबा के ये चीज़ सिलेक्ट कर सकते हो ठीक है। तो मैं ख्याल से उम्मीद से आप लोगों को समझ आ गया शॉर्टकट कीज़ में महारत हासिल कर लो आप फोटोशॉप के माहिर बन जाओगे। अपना ख्याल रखिए दुआ में जाकर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।